मध्य प्रदेश में एक बड़ा सियासी फेरबदल फिर सामने आया है। मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर करने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के दो विधायकों की सेनमारी कर ली थी और अब वही दो विधायक फिर से भाजपा के पाले में नजर आ रहे हैं। सुर बदल गए हैं, शब्द भी बदल गए हैं। शब्द और सुर क्यों बदले, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस समय भाजपा के चाणक्य माने जा रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी नीति, कौन सी बोली, ये कौन से आपके हथियार हैं जो सबके सुर बदल देते हैं? नहीं नहीं, मैंने नहीं बदले हैं किसी के भी सुर। नारायण त्रिपाठी जी स्वयं बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और बहुत योग्य व्यक्ति हैं और इसलिए उनके सुर कोई बदल नहीं सकता। वो अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा और मेरे ख्याल से वो भाजपा से तो कभी गए ही नहीं थे, उनने कभी बीजेपी से तो इस्तीफा दिया ही नहीं था। एक भ्रम था जो उनने आज दूर किया है। पुराने वीडियोस हम देखते हैं उसमें नारायण त्रिपाठी जी की जो बोली थी वो ऐसा माना जा रहा था कि वो घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस में चले गए हैं और उस समय इसे बड़ा झटके के तौर पर कांग्रेस पार्टी बता रही थी कि देखिए साहब, हमारे सेनमारी करने गए थे, बीजेपी के खुद के दो विकेट डाउन हो गए। हाँ, कांग्रेस ने ऐसा कहा था। जिन लोगों ने कहा था, मैं समझता हूँ उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। जिन्होंने 114 को 116 संख्या बताई थी, निर्दलीय मिला के जिन्होंने 121 को 123 बताई थी, अब वो घटा लें, थोड़ी सी तो बात, संख्या घटा लें। ये संख्या और कितनी घट सकती है? अब कई चीज़ें भविष्य के गर्त में होती है और संभावनाओं पे क्या प्रतिक्रिया देना। इस समय चर्चा और अटकलें जोरों पर है और इस सवाल इसलिए पूछना भी लाजमी है, अक्सर कांग्रेस सरकार की लाइफ को लेकर सवाल उठते रहे और आपके भी कई बार स्टेटमेंट आते हैं कि अपने बोझ से खुद गिर जाएगी, क्या फिर से शुरुआत हो चुकी है? मेरे अपने बोझ से खुद गिर जाएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उनके विधायक कहते हैं। उनके मंत्री ने कहा कि हम जनता से माफ़ी मांगते हैं कि हम माइनिंग का अवैध काम नहीं रोक पाए। उनके विधायकों ने कहा कि ये मंत्री जो लाहर के हैं गोविंद सिंह जी, उनने वही माइनिंग के माफ किया है, हमने थोड़ी कहा था। उनके विधायक ने कहा जो सपा समर्थन दे रही है कि बिना लिफाफा दिए कोई काम नहीं होता, हमने कब कहा? उनने कहा उमंग सिंगार ने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई है तो दिग्विजय सिंह है, हमने कब कहा? उसने कहा उमंग सिंगार जी ने कि सबसे बड़ा माइनिंग माफिया शराब माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह, हमने नहीं कहा। और न इस बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन किया, ना उमंग जी ने वापस ली अपनी बात। अब पता नहीं क्या है, हम तो सिर्फ उनकी सुनी हुई चर्चा आपके द्वारा जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए हम कहते थे कि जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, अफरा तफरी की माहौल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिट्ठी लिख दी, आज फिर लिख दी, कल चार चिट्ठी लिखी, ने आज बिजली कटौती को लेके लिखी है, कल उन्होंने कहा कि किसान को सब्सिडी नहीं मिली, परसों भिंड में उन्होंने कहा नर्सों के 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उनके नेता कह रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, उनके नेता दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आके जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। अब ये मैं कह रहा हूँ क्या? कोई तो भी कुछ तो भी बोल रहा है। वो कहावत है ना कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विद नाना, वो कांग्रेस की स्थिति हो गई है। डॉक्टर साहब, ये उस समय का वक्त है जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की थी और ऐसा माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी वेग से आगे बढ़ेगी, लेकिन उस पर बड़ा ब्रेकर लगाया गया था और आपकी पार्टी के दो विधायक कांग्रेस ने अपने पाले में खींचने में कामयाबी हासिल की थी। कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने थी और ये कहीं ना कहीं अगर आप इनसाइडर कुछ बताना चाहें, अगर थोड़ा बहुत कुछ, कि भाई ऐसा कैसे आप कहीं ना कहीं बड़ी कहा जा सकता है कि बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की इज्जत में आपने इजाफा किया है, आपके आला कमान भी काफी उस समय नाखुश नजर आए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैंने कहा नारायण त्रिपाठी जी वरिष्ठ हैं, वो वहां से वापस जाने के हाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी से मिल चुके हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी से मिल चुके हैं,
तो और उन्होंने बयान दिया था जब माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई थी, तो उन्होंने कहा था ये अमित शाह जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने हमेशा उसके बाद की बातें बता रहा हूँ मैं ये, जिस और जहाँ तक उस विधेयक की बात करती हूँ तो उस विधेयक का समर्थन, जिसके समर्थन में माननीय नारायण त्रिपाठी जी ने मतदान किया था और आदरणीय शरद कोल जी ने मतदान किया था, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। दंड विधि संहिता संशोधन विधेयक था वो, और उसका समर्थन हम पार्टी ने भी किया था। बस इतना सा अंतर था, हमने मतदान नहीं किया था और इनने मतदान कर दिया था, कोई पार्टी ने व्हिप जारी थोड़ी की थी। ये कुछ सोशल मीडिया आजकल बड़ा प्रभावी हो गया डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे इस तरह का चल रहा है कि साहब मिस्टर नारायण त्रिपाठी वॉज प्लांटेड, एक गेम प्लान के थ्रू उनको वहाँ पे भेजा गया था, क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? अब उधर वाले कह दें कि हमने प्लांट किया, इधर वाले कह दें, अब सोशल मीडिया प्रभावी है, ये सच बात है, अच्छी बात है, पर विश्वसनीयता पर भी तो संकट है, तो ये दोनों बातें एक साथ हैं, तो इसलिए उसके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करना, जैसे मैंने कहा कि संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहिए। झाबुआ में उपचुनाव है डॉक्टर साहब, क्या इस घटनाक्रम का असर झाबुआ उपचुनाव पर भी पड़ेगा? हमारे नेता नारायण त्रिपाठी जी कल जा रहे हैं झाबुआ चुनाव प्रचार में, और अभी हमने आपको धनतेरस के पहले का, फिर हम धनतेरस के बाद का धमाका सुनाएंगे। दीपावली पे कितना बड़ा धमाका हो सकता है? झाबुआ जीतेंगे, वो धमाके की आवाज सुनेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इंडिया फर्स्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ पर न केवल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, और ऐसे वक्त पर जब एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हम देखने को यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, झाबुआ में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस समय ये एक बड़ा डेंट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगा और कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर होने के लिए पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपनी ही सरकार को लेकर लगातार पत्र लिख हैं और जिस तरह से लगातार पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, ऐसे में दो महत्वपूर्ण जो मकाम हासिल किए थे कांग्रेस पार्टी ने, वो हाथ से फिसल जाना एक बड़ी सियासी हार का सबब बन सकता है। आने वाले दिनों में इसके क्या सियासी समीकरण बनते हैं और क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो जाता है, ये आने वाला वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।